तो और ये देखो भाई सामने क्या खड़ी है भाई, दी माइटी R1। तो ये आपने मेरे व्लॉग में आज तक कभी नहीं देखी होगी ये। तो ये भाई इसके मीटर पड़े हुए हैं, ये देखो पूरी भाई खुल चुकी है लियान की बाइक आगे से। गाइस फाइनली हमारा बैग भी रूमी भैया ने अपनी तरह सेक्सी बना दिया यार, चेक करो यार गाइस। गाइस फाइनली सारा काम हो गया हुआ है, फाइनली जो हमारी सीट है वो लगने वाली है। सो हे गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। तो गाइस सभी को राम राम करते हैं, आज नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन से। तो गाइस आज हम जा रहे हैं सबसे पहले कावासाकी, और आज बाइक का भी बहुत ज़्यादा काम है। आज हमने भाई सोचा कि हम इसमें सीट वगैरह जो है पिछली लगा लेंगे, ताकि मैं और प्रतीक्षा राइड पर जा सके अच्छे तरीके से। और भी भाई बहुत सारा काम है, जैसे आप सबको बताया इसका नंबर भी नहीं अभी लगा हुआ, तो अभी कंपनी जाना, हमने वही पूछना भाई नंबर वगैरह कब लगेगा, क्या सीन होगा। तो वहाँ पर भाई अर्जुन भाई खड़े हुए हैं भाई, और भी आज आपको बहुत सरप्राइजेस मिलने वाले हैं यार इस ब्लॉग में। तो गाइस चलते हैं, निकलते हैं घर से, मिलते हैं आपको जब बाइक पे। सो गाइस अभी निकल रहे हैं घर से, बाइक को कर देते हैं कोल्ड स्टार्ट। गाइस बाइक हमने निकाल लिया बाहर, वो रहे अर्जुन भैया, तो चलते हैं फटाफट से भाई और निकलते हैं घर से। अभी चल जा रहे हैं, सबसे पहले हम जा रहे हैं भाई कावासाकी, आज इसका भाई काम है थोड़ा बहुत हमें। सो गाइस फाइनली हम घर से निकल चुके हैं यार, और आज भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, और भाई क्या बताऊँ यार। उई भैया जी क्या कर रहे हो। अभी भाई अर्जुन साइड से निकल रहा था, भैया ने जगदम काट दी, मुझे लगा भाई अर्जुन भाई तो गए। सो गाइस अब हम जा रहे हैं कावासाकी शोरूम, उधर भाई आज युद्ध होने वाला है, युद्ध। सो गाइस आज हम बोले यार इतनी देर होगी भाई नंबर के लिए, आपको पता ही है मैंने कब से भाई पैसे दिए हुए हैं, जो पुराने व्यूअर थे मेरे जो पहले चैनल पे भी थे, तो यार अभी तक नंबर नहीं लगा यार, कितनी गलत बात है गाइस ये। तो ये पहुंच चुके हैं गाइस हम कावासाकी जम्मू में, आज हम करने वाले हैं भाई कावासाकी जम्मू वालों का एक्सपोज। क्या हाल भैया, ठीक हो? सो गाइस आज हम कावासाकी वालों को करेंगे एक्सपोज। मेरी बाइक का नंबर कहाँ है पहले ये बताओ, कब आएगा? नहीं 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 बी एनी के साथ डील है मेरी, ठीक है। अभी सर कहाँ पे है? गुम हो गए हैं। गाइस अभी हम एक बंदे को पकड़ते हैं, रुको। सो गाइस ये रहे वो बंदे, आज कावासाकी वालों को करेंगे एक्सपोज। इधर आओ, मेरी बाइक का नंबर क्यों नहीं है लगा अभी तक? नहीं नहीं। सो गाइस ऐसा कुछ सीन है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, नंबर वगैरह लग जाएगा अपना हफ्ता 10 दिन तक, उसके बाद बाकी फ्रेम साइडर जो भी है वो भी लग जाएंगे, उसके पैसे मैं ऑलरेडी सब कुछ दे चुका हूँ, ऑल ओवर मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं सब मैं दे चुका हूँ। अब देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। ये भैया डार्क स्पेक्टर भैया की, भैया क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। तो गाइस इनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, जाके फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर देना भाई को। पता क्या सीन होता है, देखो बड़े अच्छे अच्छे क्रिएटर है जम्मू में, पर सीन ये है यार आप ना सिर्फ टाइटल और थंबनेल देख के छोड़ देते हो, आप ये नहीं देखते कि भाई बंदे ने बीच में डाला गया है। तो टाइटल और थंबनेल पे मत जाया करो यार, वीडियो भी पूरी देखा करो। बाकी R1 जो है लग रही है ना भैया, बहुत अच्छी वीडियोज बनाते हैं। बाकी ये रही अपनी Duke 250, वो रही अपना 10R। तो गाइस हम निकल रहे हैं तगड़ी सी राइड पे, बाकी सारे भी आज हमारे आगे वेट कर रहे हैं, तो निकलते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आपको सीधा आगे। सो गाइस अभी हो रही है कीज एक्सचेंज, क्या बात है, मैं चलाने वाला हूँ R1 10 किलोमीटर। सो गाइस आज मैं पहली बारी भाई R1 चलाने वाला हूँ, मैंने आज तक कभी R1 नहीं चलाई। बाकी इसकी जो इनसेन पावर है वो भाई आप सबको पता ही है, जो R1 लवर है बताने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे आगे वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं गाइस फटाफट से, मिलते हैं आपको आगे। क्रॉस प्लेट इंजन है इसका, इनलाइन से थोड़ी आवाज अलग होगी, हां अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, किसी को पसंद होती है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सो गाइस इसकी आवाज भी मुझे तो अच्छी लगती है यार, मैं आपको एक बार आवाज भी सुनाता हूं। ये बाइक न्यूट्रल है। सो गाइस इसकी आवाज चेक करो यार एक बार, इसमें एक्रो पॉविच का ओरिजिनल फुल सिस्टम एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, बाकी यार बहुत ही प्यारी साउंड है। ओ भाई तबाही कर देगी गाइस, ये बाइक आज तबाही कर देगी। तो गाइस ऐसा ही आपका भाई रोज आपके लिए तगड़े तगड़े कंटेंट लाते रहेगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी हम निकल रहे हैं इधर से, भैया मेरी बाइक क्यों उतरे रहे हो? तो गाइस हम निकलते हैं, बाकी यार क्या लुक है भाई इसका, देखो जेट इंजन लगता है भाई, पीछे से पूरा जेट लगता है भाई, भाई ने नंबर प्लेट भी पूरी एकदम छुपा कर गई अपने टाइप का ही भाई है। तो गाइस हम निकलते हैं इधर से, मजाते हैं थोड़ी सी धूम। सो गाइस फाइनली अब इधर से निकल रहे हैं, बाकी यार इसमें जो पावर है जी, फोटो लेनी है लो ना यार, फोटो से शर्मा क्यों रहे हो, दो मैं खींचता हूँ। सो गाइस फाइनली अभी निकल रहे हैं, ओ भाई ये भाई 10R जैसी नहीं है, तो ज़्यादा उड़ रही है भाई 10R से। गाइस अभी तो मैं इसको खींचूंगा नहीं, बाकी साउंड के साथ बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। R1 में जिंदगी में भाई पहली बार ही चला रहा हूँ, तो अभी मैं ऐसे खींचूंगा नहीं भाई, क्योंकि यार मुझे इस बाइक का ना कुछ पता नहीं है, जब तक मेरे को कुछ पता नहीं चलेगा तब तक मैं भाई बाइक खींचता नहीं हूँ। बाकी थोड़ी बहुत चलाएंगे आज हम इसको, देख तो यार ये बार बार
मुझे लगता है गाइस इसमें ना फ्यूल थोड़ा सा कम है, इसलिए बार बार बंद हो रही है। तो देखते हैं गाइस इसमें पहले करवा लेते हैं यार, फ्यूल रिफिल करवा लेते हैं। ओ भाई क्या खींचती है गाइस यार R1, वाकई यार भाई यार कैसे उठ रही है खींचने में तो यार एक्सीलेंट है। बाकी यार 10R का अपना मजा, इसका अपना मजा, कंपेयर मत करना दोनों को, ठीक है। इसमें क्रॉस प्लेन इंजन आता है और भाई 10R में, भाई 10R में अलग इंजन आता है, तो भाई इसको कंपेयर वाली बात नहीं। बाकी जो 10R के फैन है ना वो भाई हमेशा 10R के ही रहेंगे, और भाई जो R1 के फैन है वो R1 के ही रहेंगे। बाकी पावर तो इसमें भाई अनलिमिटेड है, मैं अगर सच बताऊँ ना भाई 10R से ज़्यादा पावर है इसमें, ठीक है। तो बाकी विली वुली अपने आप बजी रही है भाई, देखो कुछ करने का भाई कोई नहीं बढ़ रहा, देखो दे रहा हूँ भाई बाइक तो बढ़िया कैसे भाई। हम पहुँच चुके हैं गाइस सिद्रा में, तो ये रहे भाई अपने अलियान, वो रहा हमारा दानिक। तो गाइस क्या हाल है गाइस, क्या रहा श्याम भाई, ओके हो? बड़ा वेट कर रहा है बाबा। सो गाइस फाइनली आज हम निकल रहे हैं, देख लो आज हमारे साथ कितनी बाइक्स, अभी हम रुके थे अलियान के लिए, तो यहाँ पे अलियान भी आ चुका है। और ये देखो भाई आज हमारे पास R1 भाई, Z900 भाई, Ninja 1000, Ninja 300 भाई, Duke 250 NS, और भाई हमारी 10R। तो गाइस आज तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्या हाल है ब्रो, व्हाट्सअप? सो गाइस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो अब आज की राइड भाई तबाही वाली होने वाली है, आज काफी ज्यादा मजा आने वाला है यार। तो गाइस अब निकल रहे हैं यहाँ से, तो आज की राइड पे तो भाई मतलब ना जम्मू में अलग ही क्रेज चल रहा है भाई, इतनी सुपर बाइक हो गई। ओए क्या कर रहे हो भैया, तो भाई जम्मू में अलग ही क्रेज चल रहा है भाई, सुपर बाइक ही सुपर बाइक हो गई है, देख रहे हो। नेक्स्ट लेवल लेटरी है गाइस, और भाई R1 चलाने का बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भाई। बाकी यार दानिक तू क्या लीन मार रहा था भाई यार आज, ओ भाई बहुत तगड़ा लीन मारा इसने यार, बहुत मजा आया भैया, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मतलब इसकी पावर मतलब की बहुत ब्रूटल है यार ये, टेम कर पाना मुश्किल। हां मजा आ रहा भाई, मजा आ रहा भगाने में यार। नो बात ओ भाई भाई बम फट रहे भाई, इसकी तो आवाज ही नहीं है, ये तो गूंगी है, आवाज ही नहीं है भाई इसकी, तो आवाज ही नहीं, कोई बात नहीं इसके गाइस अभी ये गूंगी है, हम इसमें जुबान डालेंगे थोड़ी देर बाद। भाई वाह सुनो यार गाइस, वाह भाई इतनी लाउड है यार, आवाज सुनो यार, नो मैच भाई नो मैच। वो गाइस अब आपको Z900 की सुनाने वाले हैं, मेरा कैमरा सुन रहे यार, आप बैक बार क्या कर रहे हैं गाइस। सो गाइस अभी आए थे हम भाई पिट स्टॉप में, अब वापस बाइक जो होगी है वो स्विच हो गई हुई है, मैं वापस आ गया हूं अपने 10R पे, तो हम इसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस इसने उद्घाटन कर दिया स्क्रीन का, तो अब हम निकल रहे हैं इधर से, हम निकल चुके हैं पिट स्टॉप से भाई। देखो अब ना आज अब ड्रैग रेस लगने वाली है गाइस, R1 10R निंजा और भाई इसमें Z900 में, तो कमेंट करके बताओ गाइस कौन सी बाइक जीतने वाली है, अभी लेगी भाई रेस देखना, साथ साथ मेरी साथ साथ खींचना, ठीक है साथ साथ खींचना भाई। ओ भाई टनार थोड़ी मार दिया भाई, क्या बात है गाइस, वापिस करते हैं इनको पीछे, आपके भाई का एक ही मोटिव है यार, अपने जम्मू के जितने सारे व्लॉगर है ना उनको यार इकट्ठे कर देना भाई, मतलब सारे व्लॉगर एक साल व्लॉग बनाएंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है, तो ये सीन रखूंगा। बाकी
कुछ व्लॉगर जो है भाई जो नहीं बनाएंगे, जो नहीं है भाई काबिल, तो हम उनको नहीं फोर्स नहीं रहे। बाकी मैं भाई जम्मू का हर एक व्लॉगर भाई इकट्ठा करूंगा, देख लेना आप। बाकी आज यार मजा आ रहा है यार काफी ज्यादा ना राइड करके। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं बिक्की भैया के पास। ओ भाई, सो गाइस आज इसका काम होने वाला है, तो आज हम इसको लगाते हैं इधर ही। वो देखो वो आ चुके हैं भैया बिक्की भैया। सो गाइस फाइनली बिक्की भैया आ चुके हैं। बिक्की भैया क्या हाल है, ठीक हो? और लगी भैया क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। 2 लाख हो गया, चल हो रहा है भगवान की दया से। और बताओ सब ओके है? इसको लगा दो सीट, फिर लगा के दोगे आज? सो गाइस भैया कह रहे हैं बाइक इधर लगाओ, पर अब देखते हैं क्या सीन बनता है, सीट वगैरह लगती है नहीं, देखते हैं भाई इसका क्या क्या काम करवाना है आज, तो वो करवाते हैं। बिक्की भैया को कुछ सामान हमने ऑर्डर किया हुआ था, तो भैया जो हमने सामान ऑर्डर किया था वो आ चुका है। क्या बात है, क्या क्या है भैया? भाई भाई है सारे फैन, कोई नहीं अपना, ठीक है सारे भाई बोला करो मेरे को। सो गाइस अब आने दो, जो सामान वगैरह इसको ऑर्डर किया, अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या मंगवाया इसका। तो गाइस फाइनली देख लो यार हमारी सीट वगैरह जो है वो आ चुकी है, थैंक यू बिक्की भैया को मंगाने के लिए, भैया ने स्पॉन्सर दी है हमें। तो गाइस मजाक करो गाइस, तो यार ये देख लो ये इसके फूड बैग्स वगैरह हैं, तो ये कराते हैं गाइस फटाफट से। तो गाइस फाइनली देख लो यार हमारा एग्जॉस्ट जो है खुल रहा है। भैया यार क्या कर रहे हो यार आप, हमारी बाइक के पुर्जे खोल रहे हो यार, ऐसा क्यों खोलनी पड़ेगी? ओ भाई, सो गाइस ये पहली बार इसके नट खुल रहे हैं यार, बड़ा दुख सा हो रहा है यार। सो गाइस फाइनली देख सकते हो यार ये जो पुर्जे हैं भैया ने अलग कर दिए हुए हैं, तो अब वो जो आफ्टर मार्केट है वो लगाएंगे। सो गाइस फाइनली जो एक साइड भाई इसका फुट रेस्ट वाला सिस्टम है वो लग गया हुआ है, तो अब भाई दूसरी साइड लगा रहे हैं, उसके बाद इसके ऊपर सीट लगने वाली है भाई। तो गाइस अभी ये वापस खोल रहे हैं, ये भी फिट हो गया, क्या बात है क्या बात है। तो गाइस फाइनली सारा काम हो गया हुआ है, अब ये जो भाई ये क्या बोलते हैं इसको, काउल। सो गाइस सीट काउल लगा रहे हैं, अब फाइनली जो हमारी सीट है वो लगने वाली है। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। सो गाइस फाइनली हमारी सीट लग चुकी है, क्या सीन है भाई। सो गाइस देख रहे हो ये फुटरेस्ट भी डल चुके हैं, और ये काउल हमारे हाथ में, और ये भाई सीट चेक करो क्या बात है। सो गाइस अब अर्जुन भाई आराम से राइड कर पाएंगे पीछे बैठ के, मजा आएगा, क्या बात है। सो गाइस अब नेक्स्ट मोड होने वाला है इसका एग्जॉस्ट के ऊपर, तो इसका एग्जॉस्ट भी हम जल्दी चेंज कराने वाले हैं, उसके बाद लास्ट मोड कराएंगे हम, इसमें डलवाएंगे टेल टाइडी जिससे लगी और भी तगड़ी। या भाई पूरा ही उतार देंगे, पूरा ही उतार देंगे, पीछे कुछ नहीं लगाएंगे। सो गाइस लुक बताना यार कैसी लग रही है, लुक में इतनी सही नहीं लग रही होगी, बट भाई ये सीटिंग वाली बन गई। अब अर्जुन भाई भी राइड कर सकते हैं, प्रतीक्षा वगैरह हर कोई पीछे बैठा के हम उसमें राइड करवा वगैरह सकते हैं उनको। गाइस फाइनली मेरी बाइक का जो सारा काम है वो हो चुका है, अब भाई अलियान की बाइक देखो, आपको पता पंडिटॉप में भाई इसकी बाइक तोड़ दी थी, तो ये भाई इसके मीटर पड़े हुए हैं, ये देखो पूरी भाई खुल चुकी है अलियान की बाइक आगे से, तो अब भाई इसको हम करवा रहे हैं, नए शीशे डलवा रहे हैं, और भाई इसका वाइजर भी नया लगवा रहे हैं, और क्या करवा रहे हैं, और भाई शायद से ये चीजें भी नहीं डलेगी जैसे ये लगी हुई है ना इधर, तो देखते हैं भाई सारा काम कुम करवाते हैं, फिर मिलते हैं गाइस आपको। हाँ गाइस बाकी लाइटें लूटे भी इसकी डीली हो गई हुई है। तो गाइस यहाँ पे अपनी तरह सेक्सी बना दिया यार, चेक करो यार गाइस देख रहे हो प्यारा लग रहा है ना यार, क्या बात है, थैंक यू रोमी भैया। रोमी भैया यार बड़े कमाल के काम करते हैं यार गाइस, देखो चेक करो कितना प्यारा लग रहा है यार। सो गाइस फाइनली हमारा सारा काम हो चुका है, सीट खोल के मैंने बैग में डाल ली हुई है, ये देखो फूड पैकेट वगैरह लग चुके हैं क्योंकि अभी सीट की जरूरत नहीं है। बाकी ये देखो सारा काम हो चुका हुआ है ऑलमोस्ट, बस गाइस अब हमने इसमें एक और काम करवाना है, वो है भाई इसमें एग्जॉस्ट वगैरह लगवाना है, तो वो भी जल्दी लगवा लेंगे। बाकी यार सीट से मतलब कि सीट से लुक नहीं आ रही थी, बट जब हमने बैठना वगैरह होगा, किसी ने किसी को बिठाना होगा पीछे, तो हम सीट वगैरह लगा लेंगे। बस यहाँ पे देखो पुलिस वाले वगैरह आ चुके हैं। सो गाइस अलियान की बाइक का भी सारा काम हो चुका है, देख लो वापस से भाई शीशे वगैरह सब नए लग चुके हैं, तो भाई 20-30 हज़ार रुपए का खर्चा कर दिया, देख लो वाइजर भी वापस लग चुका है, कैसा लग रहा है भाई आपको? बड़ा गलत लग रहा है। देखो यार ऐसे नुकसान वगैरह मत किया करो, क्या फायदा यार आप, मतलब कोई यार आगे हेटर यार आगे बाइक तोड़ देता है यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गाइस, ऐसा मत किया करो। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं यहां से घर, तो व्लॉग इसी के साथ यहीं एंड कर देते हैं, कीप लविंग कीप शूटिंग, साइनिंग ऑफ जेएस।